हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं जो आर्ट बनाने वाली हूँ उसको बोला जाता है वर्ली आर्ट। ये बहुत ही एक हम लोग का इंडिया का पुराना एक आर्ट फॉर्म है जो मैं यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल कैनवस लिया है जिसके ऊपर मैं कुछ कलर को मिक्स एंड मैच करके ये आर्ट बनाऊंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कलर एंड जो भी डिटेल्स है मैं डाल दूंगी और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी पेंटिंग है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप अगर देखेंगे गौर से, मैं जिस तरह से ब्रश को कलर के साथ ब्लेंड करते जा रही हूँ उस तरह से आपको भी ब्लेंड करते हुए जाना है, तो आपका जो कलर है वो रेडी हो जाएगा कैनवस का। इस तरह का जो पेंटिंग है आप इसको आपका घर को सजाने के लिए एज ए डेकोर, वॉल डेकोर आप यूज कर सकते हैं, या फिर गार्डन में भी इसको आप सजा सकते हैं इजीली। मैं भी फर्स्ट टाइम कैनवस में वर्ली आर्ट बना रही हूँ, तो आप लोग भी इजीली बना सकते हैं। और वर्ली आर्ट बहुत ट्रेंडिंग में भी है, तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा। दोनों कलर को मैं कुछ इस टाइप से ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि ये दो अलग या सेपरेट कलर ना लगे। मैं एक्चुअली सनसेट के बाद में जो स्काई का जो कलर रहता है वही क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डॉटिंग टूल और एक जीरो नंबर का ब्रश लिया है। जो है इसकी मदद से डॉट्स जो है बना रही हूँ। आप चाहे तो ईयरबड्स जो होता है उससे भी आप इस टाइप का जो राउंड शेप जो डॉट है आप बना सकते हैं।
पिक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ही आसानी से इस टाइप का जो पेंटिंग है आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये घर को सजाने के लिए भी बहुत ही सुंदर लगता है। कुछ ग्रास और छोटे छोटे जो ट्री हैं वो सब मैं ड्रॉ किया हूँ। तो अब हो गया मेरा पेंटिंग रेडी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।